मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बजट पेश कर दिया था और अब उन्होंने बजट पेश करने के बाद स्पष्ट रूप से कहा है कि यह बजट की राशि 5 साल के बाद दुगनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 साल के बाद मध्य प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे बजट का हिसाब किताब भी जनता के बीच रख दिया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार मध्य प्रदेश की पूरी सहायता कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और देश में बीजेपी और देश में कांग्रेस और प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने की वजह से मध्य प्रदेश को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, साथ ही विकास में कई बाधाएं भी उत्पन्न हुई हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिल खोलकर मध्य प्रदेश का विकास करने में जुट गई है। उन्होंने कहा कि इस बार जो बजट की राशि है उसे केंद्र सरकार की मदद से आसानी से जुटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल बाद मध्य प्रदेश का बजट दोगुना करना पड़ेगा, अर्थात 7 लाख करोड़ का बजट मध्य प्रदेश की विधानसभा में पेश होना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि साल 2023 की तुलना में 24-25 का बजट 16% अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि लाडली बहना योजना में 19,000 करोड़, अटल कृषि योजना में 6,000 करोड़ का बजट रखा गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नए मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव रखा गया है, रोजगार गारंटी योजना में भी 3500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 पर्व को देखते हुए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसे और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।